कॉन्फिडेंस पेट्रो। जी 84 के लेवल पे स्टॉक चल रहा है। देखिए अगर देखें तो स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है और पीछे स्टॉक ने लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में ही 95 के अपने हाईज बनाए थे और उसके बाद से स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने 44 के लेवल बनाए, अभी स्टॉक 84 के आसपास चल रहा है। आज भी अभी भी रिसेंटली इसने 89-90 के लेवल बनाए हैं और 90 रुपीज़ के लेवल के आसपास, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसेंट जो 95 हाईज बनाए थे पिछले अक्टूबर में, वो कहने की जो 90 से 95 का जो रेंज है वो बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर सकता है, तो वो आप थोड़ा सा उसके लिए वेट कर सकते हैं। वो लेवल अगर ब्रेक होगा तो उसके बाद ही स्टॉक में एक अच्छी चाल देखने को मिलेगी। अदरवाइज एक बिल्कुल एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले जो कि 73 के लेवल का होगा। जी, तो अगर करंट लेवल्स पे मैंने एंट्री कर ली है इन लेवल्स के आसपास, 84-85 के आसपास, तो मेरे टारगेट्स क्या होंगे और स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए इन लेवल पर भी अगर आपने एंट्री कर लिया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 73 का रहना चाहिए और टारगेट जो रहेंगे अभी इमीडिएट टारगेट 95 रहेगा। अच्छा, क्या टाइम फ्रेम में है सर 95 की टारगेट्स? टाइम फ्रेम मेरे को लगता है अगले 3 महीने का टाइम फ्रेम आपको लेना चाहिए। ठीक है।